ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो यूके में पिछले दिनों कुछ स्ट्रिक्टनेस के नॉर्म्स आए, जिसके अंदर उन्होंने मास्टर्स में स्पाउस को बंद कर दिया, फिर वर्क परमिट की केयर वर्क की कैटेगरी में वो अप्रैल से स्पाउस को बंद करने जा रहे हैं। तो अब कनाडा और यूके दोनों में से क्या बेस्ट रहेगा? देखिए, कनाडा और यूके रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर सी रहती हैं, गैप दोनों कंट्रीज में चल जाते हैं, आईएलटीएस 6 ओवरऑल चल जाता है, और यूके में तो इवन विदाउट आईएलटीएस भी आप चले जाते हो, डिपेंड्स अपॉन द प्रोफाइल। अब कनाडा और यूके में एक सबसे बड़ा फर्क पड़ गया है बजट को लेके। सो जो अब कनाडा जाने का बजट है वो ऑलमोस्ट यूके से डबल हो चुका है। जी हाँ, यूके एक स्टूडेंट जब जाता है तो वो 6 मंथ की फीस भी देके जा सकता है, तो मतलब 5 से 6 लाख के बीच में वो फीस देता है, एम्बेसी के एक्सपेंसेस करता है, ऑलमोस्ट 10 से 11 लाख के बीच में उसके सारे खर्चे हो जाते हैं। और पहले इसी के बीच में ही या सिमिलर अमाउंट के अंदर अंदर कनाडा के भी सारे खर्चे हो जाते थे, लेकिन अब 1 जनवरी से कनाडा का जो खर्चा है वो तकरीबन 20 लाख चले जाएगा और फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। यूके आप तकरीबन कनाडा के मुकाबले आधी कॉस्ट में जा सकोगे, और यूके कहीं पर भी स्टडी सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ना ही स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है। स्टूडेंट यहाँ से जा सकते हैं, वो बाद में अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं, फिर उस वीज़े को अपने जो टायर 2 कैटेगरी है उसके अंदर भी चेंज करवा सकते हैं, मतलब सेटलमेंट के रास्ते पे जा सकते हैं। यूके के बजट के अंदर जो चेंज आने वाले हैं वो आएंगे ऑलमोस्ट शायद अप्रैल में। पहले उन्होंने 16 जनवरी से कहा था, ये भी एक डाउटफुल डेट है जिसको हम टारगेट करके चल रहे हैं कि फाइलें उससे पहले पहले लग जाएं, बट अप्रैल से तो कन्फर्म है, जिसके अंदर आपका IHS बढ़ जाएगा। IHS बढ़ेगा 635 पाउंड प्रेजेंट है और ये बढ़ के हो जाएगा 600 पाउंड प्रेजेंट है और ये बढ़ के हो जाएगा 1035 पाउंड। मतलब यूके का जो बजट है स्टूडेंट का वो प्लस टू वाले का तकरीबन 1.5 लाख तक फर्क डालेगा, और जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके बजट के अंदर तकरीबन ये 70,000 के आसपास फर्क डालेगा। सो यूके जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी यही एडवाइस है कि वो अप्रैल से पहले पहले वाले इनटेक्स ले लें। अप्रैल से पहले पहले आप विदाउट आईलेट्स भी जा सकते हो, विद आईलेट्स में भी जा सकते हो, दोनों तरीके से एलिजिबल हो। और उसके अलावा एक सितंबर इनटेक है जिसके अंदर आप कॉस्ट बचा सकते हो, उसके अंदर आप सीधा जाओगे फाइनल ईयर में। जी हाँ, अगर आप 10+2 स्टूडेंट हैं, आपके पास CBSE के 70% इंग्लिश हैं, या फिर आईएलटीएस का आपका 6 ओवरऑल का बैंड स्कोर 5.5 ईच है, या फिर PT का स्कोर 50 से ऊपर है, तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन 3 साल की ना करते हुए सीधा फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में जा सकोगे। इसकी जो इनरोलमेंट्स हैं वो जनवरी और फरवरी चलेंगी, और इसका जो इनटेक होगा सितंबर। इसके लिए एडमिशन आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून में जाके नहीं मिलेगी, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसके अंदर पूरे यूके में ही कुल मिला के तकरीबन 250 से 350 सीट्स ही अवेलेबल हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की। सो भाई, जिन्होंने अप्लाई करना है, हु वॉन्ट टू सेव 2 साल की पढ़ाई भी और 2 साल का खर्चा दोनों आप बचाओगे, और अपना फाइनल ईयर करने के बाद सीधा आप चले जाओगे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे और उसके आगे अपना मंजिल पर जा सकोगे। सो यूके के लिए अपनी एप्लीकेशंस को डिले ना करें, लेट ना करें, पूरी डिटेल्स में समझना चाहते हैं ब्रॉडवे टीम को जाके मिलें। ऑफिसेज हमारे आपकी सुविधा के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हो, सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी रहेगा कि आपने सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। और ऑफिस हमारे दिल्ली, हरियाणा के 4 शहरों में, पंजाब के 9 शहरों में, और जम्मू और गुजरात में भी। सो इन सब जगह पर आप हमारी टीम से मिलके निश्चिंत बेफिक्र होकर अपनी एप्लीकेशंस लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।